जय हिंद मित्रों, मैं कुमार मन्नू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इनफैक्ट आज जोरदार स्वागत करता हूं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है। तो क्या है आज हमारा टॉपिक? टॉपिक है, ऊपर हमने लिखा है, जो पिछले लेक्चर का टॉपिक था वही है, बट आज नजरिया है। हमने पिछले लेक्चर में आपसे बोला था कि इस टॉपिक को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक वैल्यू के साथ। मैं एक चीज आपको बोल दूं, जो मेरी पिछली रिकॉर्डिंग थी, जस्ट पिछली लेक्चर, मैंने गलती से उसमें यहां लेक्चर 4 लिख दिया था। वो थर्ड लेक्चर था पोलराइजेशन का, ये फोर्थ लेक्चर है पोलराइजेशन आयोनिक बॉन्ड का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज अपनी जंग को शुरू करें। एरिया है पोलराइजेशन स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो मैं एक बार पिछले लेक्चर के उस पॉइंट पर पहुंच जाऊं पहले, जहां पे कॉन्फ्लिक्शन जहां से शुरू होगी, जहां से लड़ाई शुरू होगी, खतरनाक वाली। ठीक है, और मैं थर्मोडायनेमिक्स के साथ चीजों को सिखाने की, डेटा के साथ चीजों को सिखाने की कोशिश करता हूं। आज के टॉपिक में आप बहुत सारे उन पहलू को जानेंगे जिसमें अक्सर बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े हमारे दोस्त मित्र गलत फहमी के शिकार होते हैं, और वो डेटा को देखने के बजाय दूसरे के नोट्स को देखते हैं। और हमारे यहां छापो प्रतियोगिता जो है ना, हमारे देश में ये बहुत ज्यादा चलती है। हम लोग किसी चीज की कॉपी ज्यादा करते हैं रेदर देन कि हम उसको सोचें, ऐसा होता है। और टीचिंग में तो कुछ ज्यादा ही ये चीजें होती है। एक बार जो मिसकॉन्सेप्शन निकल चला, वो सदियों तक टीचिंग में चलते रहता, लोग उसको पढ़ाते रहते हैं। नोट्स पर नोट्स, नोट्स पर नोट्स, सभी को आदत है। बुक्स ना पढ़ो और नोट्स ज्यादा पढ़ो। तो अगर एक किसी बंदे ने गलत पढ़ा लिया, कहीं गलत हुआ, तो उनको देख के अब वो बड़े टीचर हैं, ऐसा परसेप्शन हमारे दिमाग में होता है कि वो बड़े टीचर हैं। तो उनको देख के उनके फॉलोअर्स ढेर सारे उनकी चीजों को कॉपी करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि कुछ चीजें नोट्स में देखी जाए। कभी कोई भी व्यक्ति हमेशा सही नहीं हो सकता। ना नरेंद्र मोदी हमेशा सही है, ना मनमोहन सिंह हमेशा सही थे। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज आप जाने, बुक सबसे अच्छा मित्र आपका हो सकता है। किताबों का सहारा ले, डेटा से चीजों को इवेल्युएट करें, उससे कंपेयर करें। अगर आप नोट्स पर नोट्स ऐसे करते चले जाएंगे कि बड़े बड़े टीचर्स के नोट्स एक जगह जमा करते हैं, बहुत सारे लोगों को आदत होती है, और उसके अकॉर्डिंग चीजों को मिला उला करके कंटेंट बना करके पढ़ा लिया, तो इससे क्या होता है, आपके बच्चे जब कल को टीचर बनते हैं, उनके दिमाग में वो चीजें रहती है। अब हो सकता है हमारे बड़े वाले टीचर भाई साहब वो अपनी चीजों को 2 साल बाद सुधार ले, लेकिन जो उनकी चीजें बीमारी की तरह फैल गई वो सुधर नहीं पाती है। तो आज मैं उन सब पहलू पर बहुत खुल के डिस्कस करूंगा। इसीलिए मैंने बोला आपको, एक दिन बोला था मैंने, एक इंजीनियर की गलती खंडहर तक जाके सीमित हो जाती है, डॉक्टर की गलती कब्र तक जाके सीमित हो सकती है, एक शिक्षक ऐसे होते हैं जिनकी गलती कभी सीमित नहीं होती है, खत्म नहीं होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये गलतियां बढ़ते चली जाती है। इसलिए शिक्षकों को गलत करने का अधिकार ज्यादा नहीं है, फिर भी होती है चीजें। देखो, बाय मिस्टेक कुछ हो जाना इज डिफरेंट थिंग, वो होता है, कभी कभी हम लोग भी हो जाते हैं, हर लोग हो सकते हैं, कोई एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी चीज को कॉपी करके आप पढ़ाते चले जाओ और बिना छानबीन के, ये बहुत गलत बात है। तो इस पूरे टॉपिक में ही, सिर्फ आज का ही लेक्चर नहीं, इस पूरे टॉपिक में ही ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे लोग देखते नहीं है, थर्मोडायनेमिक वैल्यूज को कभी कंपेयर नहीं करते और स्टेबिलिटी निकाल दिया। तो चलो मैं एक बार 5 मिनट के लिए पहले पिछले लेक्चर से इस लेक्चर को रिलेट कर दूं, ताकि अगर आपने अचानक वीडियो अभी ओपन किया है तो आपको परेशानी ना हो। आ जाओ, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि यदि कोई आयोनिक कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी देखनी है, आयोनिक कंपाउंड है इसकी अगर आपकी थर्मल स्टेबिलिटी देखनी है, मतलब कौन सा आयोनिक कंपाउंड 2 में से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो हमने बोला आपको लोग कि सामान्य तौर पर स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस एनर्जी से बोलते हैं। लेकिन पोलराइजेशन इंट्रोड्यूस होने के बाद थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन होता है। हमने आपको आगाह किया पिछले लेक्चर में कि यूजुअली जो कॉन्सेप्ट मार्केट में चलता है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ये है, जो हमने भी किया, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, मैंने भी किया है वो चीज,
आज डिफ्रेंशिएट करूंगा चीजों को कि यदि आयोनिक कंपाउंड बाइनरी है सिस्टम, मतलब दो पॉइंट चार्ज आपस में इंट्रैक्टेड है कुलंबिकली, मेरी बात को अच्छे समझेंगे, तो लैटिस वहां एक डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। यूजुअली देखा जाता है कि लैटिस से ही चीजें डिसाइड हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर उस कंपाउंड कटायन और अनायन में ढेर सारे एटम्स हैं, तो जब कटायन पोलराइजेशन ऑपरेट करता है तो किसी पर्टिकुलर पार्ट को वो ज्यादा पोलराइज करके उसको कह सकते हैं कि वहां से उसका क्लीवेज, एक पर्टिकुलर पार्ट का क्लीवेज होता है और वहां से अलग चीजें बनती है, मतलब मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो हमने बोला था यूजुअली ये तब लगता है, यूजुअली ये ड्राइविंग फोर्स है आपका या ड्राइविंग फैक्टर लिख लो, व्हेन डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट्स आर, व्हेन डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट्स आर क्या, एलिमेंटल। अच्छे से देखेंगे। और हमने बोला ये आप कब लगाएंगे सामान्य तौर पर, यूजुअली ये ड्राइविंग फोर्स कब है या ड्राइविंग फैक्टर कब है, व्हेन डिकम्पोज्ड प्रोडक्ट्स आर, अच्छे से देखेंगे, प्रोडक्ट्स आर मॉलिक्यूलर। जैसे एक एग्जांपल मैं कर दूं, अगर आपको एल्कली मेटल के हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी डील करनी हो, तो जब आप इनको जैसे LiH से लेके CSH, तो जब आप इनको हिट करेंगे तो ये एल्कली मेटल, M लिखा हमने, ये M है दोस्त, और प्लस हाइड्रोजन आया, एलिमेंटल प्रोडक्ट। लेकिन वही मान लो अगर आपने एल्कलाइन अर्थ मेटल का कार्बोनेट ले रखा है और इनकी स्टेबिलिटी आपको कंपेयर करनी है BeCO3 से लेकर के BaCO3, तो इनको आप हिट करोगे तो मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 आएगा, मॉलिक्यूलर प्रोडक्ट्स आएंगे और यहां एलिमेंटल प्रोडक्ट्स आएगा। इसीलिए आपको जब स्टेबिलिटी लेनी है LiH, NaH, KH, RbH और CSH की, तो आपने यहां पे लगाया फैक्टर, सर ऊपर जाने पर कटायन का साइज डिक्रीज करने की वजह से आपकी लैटिस एनर्जी बढ़ गई और इसीलिए सर थर्मल स्टेबिलिटी या थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी सर इंक्रीज कर गई। अच्छे से देखेंगे और बिल्कुल कहीं नहीं जाना, वीडियो पर बने रहे, मैं प्रॉमिस करता हूं ये सेशन बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, बहुत इफेक्टिव। और अगर आप यहां पर आपने कार्बोनेट लिया BeCO3, MgCO3, CsCO3, SrCO3, BaCO3, तो अब पोलराइजेशन लगाएं, तो हमने बोला ऊपर जाने पर कटायन का साइज घटने के कारण पोलराइजिंग पावर बढ़ गया, तो पोलराइजेशन बढ़ गया इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी नीचे की तरफ आ जाएगी। मतलब अगर आपने तोड़ना है तो बेरिलियम कार्बोनेट रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे टूटेगा और BO+CO2 देगा, स्टेबिलिटी ज्यादा का मतलब, और BaCO3 रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पर टूटेगा, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होने चाहिए, और ये BaO+CO2 देगा। स्टेबिलिटी का यही मतलब हुआ कि नीचे वाला ज्यादा टेम्परेचर पर टूटेगा। अब आइए, अगर आप चीजों को थर्मोडायनेमिकली समझने की कोशिश करें, अच्छे से देखें, मैंने बोला कि अगर आप चीजों को थर्मोडायनेमिकली समझने की कोशिश करें, ठीक है, हमने बोला कि थर्मोडायनेमिकली, क्योंकि पोलराइजेशन तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, पोलराइजेशन तो थियोरिटिकल पार्ट है, थियरी है, ये ऑपरेट होता है प्रैक्टिकली, लेकिन इसका इफेक्ट थर्मोडायनेमिक्स पर पड़ता है। हमने आपको पिछले लेक्चर में यह समझाने की कोशिश की कि इसका असर थर्मोडायनामिक्स पे पड़ता है। जब पोलराइजेशन ऑपरेट होता है तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन ऑपरेट होगा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर घटेगा, या यू कह लो कि लैटिस एनर्जी अपने आप कम होने लगेगी। हमने पिछले लेक्चर में क्लियर किया, अगर पोलराइजेशन बढ़ा तो पोलराइजेशन बढ़ते बढ़ते उस बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर डेवलप होने लगेगा, तो लैटिस एनर्जी डाउन होने लगेगी, ठीक है, एक लिमिट के बाद। तो थर्मोडायनामिकली अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनेंगे,
तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी डील्ड विथ डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑलवेज. आप तो बिल्कुल सहमत होंगे, थर्मोडायनेमिकली तो डेल्टा जी ही चीजें होंगी. मतलब डेल्टा जी नॉट एफ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अच्छे से देखें, अब जो आपका वो डेल्टा एच है, एक्चुअली ये एल्जेब्रिक सम है आयोनिक कंपाउंड में. अच्छे से देखें किन किन चीजों का, आपको तो अच्छे से ध्यान में है ना, हीट ऑफ सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी, इन सारे चीजों का क्या है, एल्जेब्रिक सम है. हमने ये चीजें आपको पिछले लेक्चर में समझाया कि एक्चुअली लैटिस एनर्जी के सामने जो सबसे लास्ट वाला फैक्टर है यू नॉट, लैटिस एनर्जी के सामने सारे फैक्टर बौने हैं, एक तरफ से छोटे हैं एक तरफ से. जो सबसे बड़ा फैक्टर इसमें कौन है, डेल्टा एच में लैटिस एनर्जी है. अच्छे से देख ले, शायद यहां ये नजर नहीं आ रहा हो तो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस यू नॉट. ठीक है, तो हमने आपको बोला कि एक्चुअली लैटिस एनर्जी के सामने सारे फैक्टर छोटे हैं. लैटिस एनर्जी की जो वैल्यू है वो इतनी बड़ी होती है सामान्य तौर पर कि आयोनाइजेशन, सब्लिमेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन वगैरह सबको अकेले वो कवर अप कर लेता है, और उसी के वजह से आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइनली नेगेटिव होता है. अब जब ये नेगेटिव टी डेल्टा एस अगर उसने ज्यादा प्रभाव नहीं डाला, उसको इग्नोर कर लिया जाए, तो ओवरऑल डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने की जिम्मेदारी जिस डेल्टा एच पर है, उस डेल्टा एच को नेगेटिव बनाने की जिम्मेदारी लैटिस एनर्जी पर है. फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला कि डेफिनेटली थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी जो डील होती है वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज से. और डेल्टा जी की जो वैल्यू है, आपने लिखा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी स्टैंडर्ड वैल्यू लिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है टी का वैल्यू हम लोग 25-27 यही लेते हैं, 300 केल्विन के आसपास लेंगे. तो डेल्टा एस का वैल्यू अगर कोई बड़ा चेंज ना हो, मतलब एबनॉर्मली ऐसा ना हो कि सारा गैस सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है, सारा सॉलिड गैस में कन्वर्ट कर रहा है, तो डेल्टा एस में नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं. आराम से सुनिएगा, तो टी डेल्टा एस को बहुत अगर आप ज्यादा तवज्जो ना दें तो आपका डेल्टा जी किससे डिसाइड हो रहा है, सर डेल्टा एच से. और डेल्टा एच किससे डिसाइड हो रहा है, तो डेल्टा एच इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ बॉन्ड हेबर साइकिल हमने पढ़ाया, एल्जेब्रिक सम ऑफ हीट ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जिसको आप बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड लैटिस एनर्जी. लैटिस एनर्जी की वैल्यू बड़ी बड़ी होती है. लैटिस एनर्जी की वैल्यू हमने बोला आपको कि शुरू ही होती है 500 किलो जूल पर मोल के आसपास से, और ये हजार लाख पता नहीं और कितना 10 लाख, बहुत सारे बड़े बड़े वैल्यूज भी होते हैं, बहुत सारे से हमने आपको पढ़ाया हुआ भी है, तो चलो उधर नहीं जाना. इसमें जो समरी निकल के आया दैट वन इज दिस, दैट कि इन सब के सम का जो नेगेटिव पार्ट है वैल्यू, वो अकेले यू नॉट के वजह से है, क्योंकि एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होती है. पीरियोडिक टेबल में हाइएस्ट एफिनिटी की वैल्यू होती है किसकी, हमने आपको पढ़ाया है, आप देख ले अच्छे से, क्लोरीन की -360 के अराउंड, तो बहुत छोटी वैल्यू है. और लैटिस की वैल्यू -4000 -5000 -6000 -3000 -2000 -10000 -60000, बड़ी बड़े वैल्यूज होते हैं. मतलब डेल्टा एच जो है अगर सामान्य तौर पे बात किया जाए तो उसको कंट्रोल कर रहा है लैटिस एनर्जी. ठीक है, इसीलिए हमने इसमें थर्मोडायनेमिक्स में जब हमने मैथमेटिकल बात किया तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैटिस लिख दिया. लेकिन एक्चुअल चीज क्या है कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट ऑफ फॉर्मेशन के होना चाहिए नेगेटिव में, और एक्चुअली हीट ऑफ फॉर्मेशन भी नहीं, डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव में. एक्चुअल तो ये दोनों है, लेकिन हमने इसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि टी और डेल्टा एस बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली बात है. टी और डेल्टा एस कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो हम लोग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो टी तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट डेल्टा एस कॉम्प्लिकेटेड चीज है. तो इसको अगर, इसलिए मैंने डेल्टा एस की वजह से इसको इग्नोर कर लिया. अब आ जाइए डेल्टा एच पर, हीट ऑफ फॉर्मेशन पे, जो आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जब बात करें
तो अब चूंकि वो कंट्रोल लैटिस से हुआ इसलिए हमने ये लिख दिया, और ये थियोरेटिकल पार्ट की पोलराइजेशन भी लगा भैया, पोलराइजेशन जितना ज्यादा लगेगा उतना किसी पार्ट को ब्रेक करके निकालना मॉलिकुलर डिकम्पोजिशन उतना ईजी हो जाएगा आयोनिक कंपाउंड में। क्लियर है? अब आ जाइए चीजों को आगे समझते हैं। हमने ये लिख दिया कि ये कहां से आया और ये चीजें क्लियर हुई। अब पॉइंट आइए, कुछ एग्जांपल्स लेकर के मैं क्यों ना थर्मोडायनेमिकली चीजों को समझने करूं, क्योंकि प्रैक्टिस तो किए जा रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस तो किए जा रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O, तो भैया टूट करके वो एलिमेंटल प्रोडक्ट देगा, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर। हमने लिया लिथियम कार्बोनेट से सीजियम कार्बोनेट नीचे, LiH से CSH ऊपर, बेरिलियम सल्फेट से बैरियम सल्फेट जो मॉलिक्यूलर डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट होगा जिसका, वो नीचे पोलराइजेशन लगा के हमने ये काम किया। अब चीजों को अलग लेवल पर सोचने की जरूरत है। एक ये मसला है कि मैं थर्मोडायनेमिक्स से कुछ वैल्यूज इनके निकाल के रखूं, और जरा ध्यान दे, लैटिस फालतू चीज हुई, समझ रहे मेरी बात को? एक्चुअली लैटिस सीन में क्यों आया, वो बाहुबली है, समझ रहे ना, वो उस माहिष्मती साम्राज्य का बाहुबली है। लेकिन आप समझ रहे हैं अकेले बाहुबली से वापस उस माहिष्मती को हासिल नहीं किया जा सकता था, कटप्पा कहा गया मेरे दोस्त, कटप्पा का होना बहुत जरूरी था। तो वो लैटिस जो है ना वो बाहुबली है, वो सारे फैक्टर पर भारी है, लेकिन कटप्पा भी जरूरी है, देवसेना भी जरूरी है, ऐसे और भी चीजें जरूरी हैं जिनके वजह से ओवरऑल वो जीत डेल्टा जी निकलेगी। इसीलिए नेक्स्ट पेज में थर्मोडायनामिक्स पर आओ पहले, वैल्यूज पर, और लैटिस की वैल्यू डिस्कस करनी बेकार है। किसकी वैल्यू डिस्कस करनी है, दो एग्जांपल कुछ लेते हैं, और किसकी वैल्यू डिस्कस करनी है दोस्त? सर डिस्कस करनी है हीट ऑफ फॉर्मेशन और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, इन दो से थोड़ा समझा जाए कि क्यों लोग लैटिस के पीछे पड़े रहते हैं। लैटिस के पीछे इसलिए पड़े रहते हैं कि लैटिस का जो ट्रेंड है वही ट्रेंड हीट ऑफ फॉर्मेशन का हो जाता है 90% 95% केस में। आराम से सुनेंगे, जो लैटिस का ट्रेंड है वही ट्रेंड हीट ऑफ फॉर्मेशन का हो जाता है 90% केस में, 95% केस में, और जो हीट ऑफ फॉर्मेशन का ट्रेंड है वही डेल्टा जी का ट्रेंड हो जाता है। इसीलिए लोग सब भूल के लैटिस पकड़ लेते हैं, लेकिन 5% बर्बाद करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट को काफी है। तो अगर आप बड़ा कंपटीशन दे रहे हैं, लाइक एक लेवल पे बात कर लो जेई एडवांस्ड, एक लेवल पे बात कर लो जेआरएफ, तब आप उस 5% पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। आप कोई छोटा कंपटीशन दे रहे हैं, लाइक आप जैम दे रहे हैं, आईआईटी जैम दे रहे हैं, लाइक आप जेई मेन दे रहे हैं, लाइक आप नीट दे रहे हैं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं बातें कर रहा हूं। तो उस समय में वो 5% 10% वाला एरिया उतना यूजफुल नहीं, वो 90% वाला एरिया उनके लिए यूजफुल है। और बाकी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं आगे चल के, लेक्चरर बनना चाहते हैं आगे चल के, नॉलेज सही लेना चाहते हैं आगे चल के, तो भाई साहब तब तो पूरे एग्जांपल को कवर करना है, ठीक है। और एक कंफ्यूजन मैंने सुना है लोगों के जहन में ये चीजें रहती है, सर कार्बोनेट एक बड़ा अनायन है इसीलिए सर डाउन द ग्रुप जाने पर उसकी पैकिंग अच्छी होती है, स्पेस मिलना उसमें मुश्किल है, तो सर स्पेस मिलना मुश्किल है तो डिफेक्ट्स जो होते हैं सॉलिड में, आयोनिक सॉलिड्स में, वो डिफेक्ट्स नहीं आ पाएगा। जैसे कुछ डिफेक्ट होते हैं आपको पता है, जिसमें शिफ्ट कर जाता है आयन्स आपके वाइड स्पेस में खाली जगह में, इन सब चीजों की वजह से डिफेक्ट आता है। कभी कभी तो उस खाली जगह में क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाता है, जो एक्स्ट्रा कोई एटम आके एंटर कर जाता है, फ्रेंकल डिफेक्ट्स होता है जिसमें कि कैटायन शिफ्ट कर जाता है एनायन की तरफ, आयन का शिफ्टिंग होता है। तो ये सब डिफेक्ट्स नहीं आ पाएंगे, कब, यदि पैकिंग अच्छी होगी। तो लोग बोलते हैं कि इसीलिए लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप हो जाएगी, बड़े एनायन को बड़ा कैटायन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा तो लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप हो जाएगी, स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप हो जाएगी वहां पर, क्योंकि कार्बोनेट काफी बड़ा एनायन है। ये भी लोगों के दिमाग में चीजें रहती है, इसमें क्या हकीकत है? कुमार मनु सर अगले पेज में खोलते हैं इस राज को, चलिए आ जाइए, स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज।
अब तो लग रहा है सर मानो हम इनऑर्गेनिक नहीं मैजिक ही सीख रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आने वाला वो तो किसी मैजिक से कम नहीं। और जो बोलते हैं ना ये सब कॉन्सेप्ट ना गुरु दक्षिणा के को डिजर्व करता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये सब चीजें आप सीख जाते हैं, क्योंकि इसमें वर्षों से कई सालों से और मोस्ट ऑफ ऑल टीचर्स को मैंने देखा कि वो गलतियां करते हैं। चलिए आइए देखिए, आइए मैं क्या करता हूं आपको, पैरामीटर्स ऑफ स्टेबिलिटी ध्यान से देखिए, पैरामीटर्स ऑफ स्टेबिलिटी। अब मैंने बोला दोस्त तीन चीजें हुई इसमें, एक लैटिस एनर्जी, कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव में, दूसरा इस तरह से लिखते हैं इसको कि थोड़ा स्पेस के हिसाब से चीजें अच्छे से हो, पहला लैटिस एनर्जी नेगेटिव में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और तीसरा डेल्टा जी नेगेटिव में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सब स्टैंडर्ड कंडीशन में है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, अच्छे से देखें। अब मैं कोई एक सीरीज लेता हूं कंपाउंड्स का, चलो मैं कार्बोनेट लेता हूं। आप दोस्तों जो सामान्य स्टूडेंट हैं जो सीख रहे हैं पहली बार, उनको कंफ्यूजन कम होगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने पहले से पढ़ा है उनको पता होगा कि इसमें लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी, क्योंकि कार्बोनेट लार्ज अनायन है, इसीलिए नीचे जाने पे आपके पैकिंग बढ़ेगी, पैकिंग इंक्रीजेज विथ लार्ज कैटायन, इंक्रीजेज विथ लार्ज कैटायन, अच्छे से, और लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। ध्यान से सुने, अभी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि नीचे लैटिस इसमें बढ़ती है, डेफिनेटली पता होगा, बोलो ना बोलो, मैं जान रहा हूं कि पता है आप में से बहुतों को। अब यहां जरूरी है इसी कंपाउंड्स की, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बैरियम, इन्हीं कार्बोनेट्स की मैं तीन चीजें लिखूं, लैटिस हीट ऑफ फॉर्मेशन और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। डेफिनेटली मैं थोड़ा सा डेटाबेस वैल्यू मैं निकाल के देखूंगा आराम से, मैं थोड़ा सा वैल्यू, चूंकि लंबे चौड़े मैं आपको सिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूं, -3178 सारे SI में वैल्यूज हैं, किलोजूल पर मोल SI वैल्यूज हैं सब। ठीक है, चलिए -3178, -2986, -2718, -2614। सबसे पहले इस लैटिस एनर्जी को अच्छे से देख लें आप वैल्यू को, और उन लोगों को जिन लोगों ने अपने नोट्स में पढ़ाया हुआ है कि कार्बोनेट बड़ा अनायन है तो पैकिंग नीचे के तरफ ज्यादा, तो लैटिस एनर्जी नीचे के तरफ ज्यादा तो स्टेबिलिटी नीचे के तरफ होगी इसमें, तो लैटिस वाली चीजों को आप अच्छे से देख ले। बेरिलियम कार्बोनेट हमने छोड़ दिया जानबूझ के, हर चीज का डाटा अवेलेबल होना हर चीज का मुश्किल है, इस वजह से मैंने छोड़ दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो आ जाओ तो देख लो, 26, 27, 29, 31, स्पष्ट तौर पे लैटिस एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए थोड़ा सा सावधान हो जाए। मैं आगे जब कंक्लूजन लगाऊंगा कि लैटिस एनर्जी तो भैया आप अपने फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ही लेके चले, पैकिंग से लैटिस एनर्जी किस वक्त डिसाइड होती है वो मैं भी बताऊंगा, होती है कभी कभार, बहुत रेयर एग्जाम्पल है, वो ऐसे सॉफ्ट अनायंस के केस में ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा पोलराइजेबल है और सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। ठीक है, सिर्फ बड़ा होने से नहीं होता है दोस्त, सॉफ्ट होना इंपॉर्टेंट, और सॉफ्ट कैसे आता है अनायन में, सॉफ्टनेस कैसे आती है ये मैं बाद में आगे चल के पढ़ाऊंगा, अभी आ जाइए। फिलहाल तो आपका पहले वो वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया, अगर आप में से कोई किसी को ये पता है कि बड़ा अनायन है तो पैकिंग ज्यादा, कई बार आप लोगों ने मेरे से सवाल भी पूछा है इस बात को लेके कि सर बड़े अनायन में कार्बोनेट सल्फेट वगैरह का बताएं सर क्या होता है,
कई बार आप लोगों ने पूछा, मेरे को याद है अच्छे से, मैंने जवाब भी दिया था, थर्मल स्टेबिलिटी आयोनिक कंपाउंड के आने दें, दूध का दूध पानी का पानी, तो पहले क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब लैटिस एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है सब नेगेटिव में। अब नेक्स्ट है, इन्हीं का मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख रहा हूं, क्योंकि जो आपका डेल्टा जी है, आप ये डेल्टा एच लिखेंगे और डेल्टा एच में बहुत सारी चीजें और लैटिस एनर्जी भी है, नहीं, और माइनस टी डेल्टा एस। हमने इस फैक्टर को इग्नोर किया, क्यों किया, हमने क्या लिखा, जनरली हमने इग्नोर किया है। जरा अच्छे से देखें दोस्त, विथ टी इक्वल्स टू 300 केल्विन, नहीं 25, टी इक्वल्स टू 300 केल्विन के से लेकर के हमने चलो जनरली इग्नोर किया। अब मैंने इग्नोर किया उस चीज को मैं दिखा देता हूं आपको वैल्यू से, आ जाइए। मैं अब हीट ऑफ फॉर्मेशन पहले लिखता हूं, जो ये वाला वैल्यू है सबका सम, ठीक है, आ जाइए। माइनस सबका नहीं, किसी किसी का लिखता हूं, समझना इंपॉर्टेंट है, 1095 माइनस 1207 और माइनस 1216। अब अच्छे से देखें आप चीजों को, आपकी जो ये वैल्यू है, हमने इस वाले का वैल्यू छोड़ दिया है और इसका भी, हर किसी का लेना जरूरी नहीं है, ट्रेंड आप सीख जाएं और कॉन्सेप्ट सीखें। आपको क्लियर दिख रहा है, नीचे थोड़ा क्लोज हुआ है बट हीट ऑफ फॉर्मेशन नीचे बढ़ रहा है। अब आ जाए इनके डेल्टा जी के वैल्यू पर, एक बार फिर मैं डेल्टा जी की वैल्यू दिखा रहा हूं, अच्छे से देख लें, माइनस 1012 माइनस 1127 और माइनस 1137। अब इस वैल्यू को देखें, 10111 डेल्टा जी भी आपका नीचे इंक्रीज कर रहा है, सब नेगेटिव में, लैटिस भी नेगेटिव में। अब इस थर्मोडायनामिक्स को समझें, दो तीन चीज समझना, एक चीज पहले ये दोस्त समझने की कोशिश करें, आपके हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और डेल्टा जी में कितना का डिफरेंस है, 1095 1012, बहुत का डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब टी डेल्टा एस की वैल्यू काफी छोटी रही, क्लियर समझ में आया, टी डेल्टा एस की वैल्यू काफी छोटी रही। अगर आप बोलेंगे तो मैं वो भी लिख करके और क्लियर कर सकता हूं, बट यार लर्निंग अच्छी रहनी चाहिए, ज्यादा क्लमजी होने से फिर आपके ऊपर भी, तो आप भी पढ़ोगे, आप बहुत सारे बुक्स, आप भी कभी अगर पढ़ने का मौका मिला तो आपके लिए वो यूजफुल होगा। हमने क्यों इग्नोर किया था जनरली, आप देख ले, -11 -12 -11 -12 कितना क्लोज है, लेकिन लैटिस को देखे उतना बहुत का डिफरेंस है, देख रहे हैं 1100 और 3100, 2000 का डिफरेंस है, 1200 1900 1200 2600। क्यों, क्योंकि लैटिस के साथ इसमें जो ऐड हुआ है वो क्या सब ऐड हुआ है, समझ रहे हैं, पॉजिटिव चीजें क्या सब ऐड हुई है, सब्लिमेशन, पॉजिटिव चीजें क्या सब ऐड हुई है, आयोनाइजेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन वगैरह, क्लियर समझ रहे हैं। तो ये सब मिल करके इसके नेगेटिव को इसीलिए इन लोगों ने घटाया है, इसीलिए काफी ज्यादा का डिफरेंस है, क्लियर हुआ होगा, इसके नेगेटिव को इन लोगों ने मिलकर के डैमेज किया है, इन लोगों ने मिलकर के, इसीलिए इसका नेगेटिव काफी बड़ा था और ये छोटा आया। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूं, लैटिस अकेला स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकता है, लैटिस अकेला स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं कर सकता है, थर्मोडायनामिक्स डेल्टा जी है। हां, मैंने बोला कि डेल्टा जी और डेल्टा एच एफ में चलो डेल्टा एच एफ से ही डील कर लो, क्यों बोला था, क्योंकि टी डेल्टा एस की वजह से स्टैंडर्ड कंडीशन पर बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो कंक्लूजन क्या हुआ दोस्त, स्टेबिलिटी को लेके, सर कंक्लूजन यह हुआ कि बेरिलियम कार्बोनेट से बैरियम कार्बोनेट की तरफ स्टेबिलिटी बढ़ गई, और सर हमने जो थियोरिटिकल अप्रोच पढ़ा था, थियोरिटिकली ध्यान से, थियोरिटिकली ड्यू टू डिक्रीजिंग फाई स्टेबिलिटी इंक्रीजेज,
नहीं, पोलराइजेशन आपने लगाया था, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ड्यू टू डिक्रीजिंग डेल्टा जी या इंक्रीजिंग, नेगेटिव में लिख लो, इंक्रीजिंग नेगेटिव डेल्टा जी क्या हुआ, स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। अब आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा तो मजा आया होगा, क्योंकि थोड़ा कुछ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या माजरा था इसमें और क्या आप समझ रहे थे। तो वो बंधु, वो दोस्त जो लोग इसमें लैटिस एनर्जी के ट्रेंड को नीचे करते थे, हमने उनको क्लियर और स्ट्रिक्ट मैसेज दिया है, दोस्त देख ले, अच्छे खासे वैल्यूज से लैटिस एनर्जी डिफर कर रहा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उतने वैल्यू से नहीं कर रहा, या डेल्टा जी उतने बड़े चेंजेस से नहीं वैरी कर रहा जितने बड़े चेंजेस से लैटिस कर रहा। तो एक तो उन मित्रों के लिए, सेकंड उन मित्रों के लिए भी इसमें, उन स्टूडेंट्स के लिए भी, उन दोस्तों के लिए, उन टीचर्स के लिए भी इसमें मैसेज है जी, जो कि सिर्फ डेल्टा एचएफ के अकॉर्डिंग चलते हैं और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि डेल्टा टी डेल्टा एस को क्यों नहीं हमने लिया। एक्चुअली जब काउंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से टी डेल्टा एस का नेग्लिजिबल, देख रहे हैं बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बहुत मामूली चेंजेस, क्योंकि आप जो इन चीजों को आयोन कंपाउंड को बनाते हैं, सारा गैस प्रोडक्ट होता है गैस रिएक्टेंट सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होता, जैसे आपने बनाया, तो Na प्लस हाफ मोल ऑफ Cl गिव्स, तो आपने क्या देखा, एक मोल सॉलिड आपका ऑलरेडी सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो डेल्टा एस किस समय में बहुत ज्यादा छलांग लगाता है, एंट्रोपी चेंज, जब आपका सॉलिड कन्वर्ट होता है, और Cl2 आप हाफ मोल लिया, हाफ मोल Cl2 आपका गया है सॉलिड में, उधर गया, तो इसी वजह से आपका बहुत बड़ा छलांग इसमें नहीं लग पाता है, क्योंकि मेटल आपका जो पार्ट होता है अल्टीमेटली वो सॉलिड, यही वजह से कि टी डेल्टा एस पर बहुत फर्क नहीं पड़ता, पड़ा होगा। अब उम्मीद है आपको मजा आया होगा, थोड़ा सा तो आया होगा, दिल खोल करके एक बार आप बताएं क्या मजा आया या नहीं, प्लीज। जी, तो मैंने आप लोगों से बोला कि एक बार ये बताएं कि क्या समझ में आया या नहीं, और चीजें कैसी रहीं, जो पिछला पेज का हमने कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं जरा देखूं कि किन लोगों ने क्या लिखा है। यस सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया, अरुण रोहन, थैंक यू अरुण जी। लेबोनी लिखा है, सर आप पढ़ाएं और मजा ना आए, तभी हो सकता है जब सूरज निकले बट रोशनी ना आए, अरे रे 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 रे, थैंक यू, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत बढ़िया सर, क्लियर, इट्स मैजिक, थैंक यू रोहन। यस सर, जबरदस्त समझाए हो, थैंक यू, अच्छा रहा सर बहुत, यस सर, चलिए सभी लोगों ने बोला, वेरी गुड, आपका समझना ही मेरे लिए अप्रिशिएशन है। और एक्चुअली क्या है ना कि मेरे को पता है ये चीज़ कि कहाँ पे कॉन्सेप्ट में लोग मिसकॉन्सेप्शन वर्षों से झेल रहे हैं। ये तो कार्बन का कार्बोनेट था, अब तो मैं सल्फर का सल्फेट लेकर के दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला हूँ। अजय, अब मैं इस पेज में सल्फेट ले रहा हूं, उसी का सल्फेट ले रहा हूं, 2A का ही कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट। एक बार फिर से, ज्यादा अगर कोई पढ़ लेते हैं तो वो यही पढ़ते हैं कि सल्फेट वेरी लार्ज अनायन, काफी बड़ा अनायन है, तो इस वजह से इफेक्टिव पैकिंग ऑब्जर्व विथ लार्ज कटायन, और इस वजह से आपका लैटिस एनर्जी बढ़ गया। कार्बोनेट में भी ऐसा सामान्य तौर पर लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, मैं वैल्यू लिखता हूं,
अच्छे से देखें जरा, मैग्नीशियम सल्फेट, फिर बेरिलियम को छोड़ के लिख रहा हूं, -2833, कैल्शियम सल्फेट -2653, और एक बैरियम लिख देता हूं, ये वाला छोड़ के बैरियम लिख देता हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना, -2474। आप स्पष्ट देख लें आपका सल्फेट क्या बड़ा है, बहुत बड़ा है, जो है हाथी का साइज है कि घोड़े का साइज है कि ऊंट का साइज है कि कटप्पा का साइज है, देख लें 24, 26, 28 स्पष्ट दिख रहा है आपको, लैटिस एनर्जी आपकी ऊपर की तरफ बढ़ रही है क्योंकि R प्लस डिक्रीज कर रहा है। क्लियर हो गई चीजें। अब आ जाइए माय इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेफिनेटली इससे काफी छोटा वैल्यू होगा वो, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चीजें आयनाइजेशन सब्लिमेशन वगैरह आ जाने की वजह से पॉजिटिव वैल्यू को खाएगा वो, किल करेगा। तो चलो आ जाओ मैं ये दिखाता हूं, -1284 सारे एसआई वैल्यूज हैं, -1420 और -1473। जरा अच्छे से चीजों को देख लें, अच्छे से क्लियर हो लें। अगर आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर जाएं तो आप देख रहे हैं इतनी दूर ये इररेगुलर वैल्यू है, तो वैसे लोग जो लैटिस से डील कर देंगे स्टेबिलिटी, तब तो उनका तो ऊपर हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएंगे। वैसे लोग जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से डील कर देंगे स्टेबिलिटी, उनका भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने को पहले से ही पता है किसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप होगी, थियोरेटिकल पार्ट हमने पढ़ रखा है, पोलराइजेशन लगेगा यार। अपने को पहले से ही दोस्त पता है कि बेरिलियम सल्फेट से लेके बैरियम सल्फेट जाने पर स्टेबिलिटी डील करने का तरीका है, ऊपर फाई बढ़ेगा तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगी ऊपर की तरफ तो डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये लो टेम्परेचर पे टूट जाएगा, डिकम्पोजेज ऑन लो टेम्परेचर रिलेटिवली, और नीचे वाला जो है वो रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे टूटेगा, डिकम्पोजेज ऑन हाई टेम्परेचर रिलेटिवली। तो हमने थियोरेटिकल पार्ट पहले से पढ़ा हुआ, अपने को पहले से पता है ऑर्डर, लेकिन हमने आपको वैल्यू से दिखाया, ना तो आप इसको लैटिस से डील कर सकते थे और ना ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। वैल्यू को देखें जरा इररेगुलर है, बीच में वैल्यू को देखें जरा, हालांकि उतना भी नहीं है इसके वजह से थोड़ा सा, और काफी क्लोज भी है। ठीक है, अब आ जाए इस पर, आ जाए ध्यान दे, -1170 -1309 ये होता है -1345 और लास्ट में -1362। ठीक है, चलो इसको मैं लिए हटा ही देता हूं, कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब क्लियर है वैल्यू से ही, लेकिन थोड़ा समझ में आया कि वैल्यू क्लोज है। अब यहां पे आकर के देखे स्पष्ट, डेल्टा जी किधर बढ़ रहा, नीचे की तरफ, किधर नीचे की तरफ, थोड़ा सा यहां पे हल्का सा है, इररेगुलर है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आ जाओ तो फाइनली अपनी स्टेबिलिटी क्लियर हो गई, अब साफ क्लियर हो गई। तो थर्मोडायनामिक्स ने समझाया अपने को कि जब आप, हां तो ये वाली चीजें जिसने भी बताई वो गलत हो गया, कार्बोनेट वाले में मैंने भी वो भी लिखा था, बट कार्बोनेट वाले में मैं क्रॉस करना भूल गया, तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो कार्बोनेट वाले में वहां पर रेक्टिफाई कर लेंगे, उसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वो करेक्ट करना बेहद जरूरी है कार्बोनेट वाले को। तो दोस्त कार्बोनेट और सल्फेट में डेफिनेटली सल्फेट का थर्मोकेमिकल रेडियस बड़ा होता है, नहीं मतलब सल्फेट का साइज बड़ा होगा कार्बोनेट से, क्योंकि वहां कार्बन और यहां सल्फर है, तो सल्फेट का बड़ा एरिया। अब जब सल्फेट जैसे बड़ा अनायन में जब आपने पैकिंग के अकॉर्डिंग लैटिस नहीं डील किया, तो क्या मजाल है कि आप आयोडाइड में पैकिंग से लैटिस एनर्जी डील कर लो। समझ में आया, कार्बोनेट नाइट्रेट सल्फेट कुछ भी ये सब डील करो, ऑक्सैलेट क्यों डील करोगे,
कि एनायन बड़ा है तो लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप बड़े कटायन के साथ, क्यों नहीं? ये बतोलेबाजी है। एक्चुअली स्टेबिलिटी जो दिख जाता है ना, इसीलिए किसी ने गलत एक दो बार कुछ लोगों ने पढ़ा दिया कि स्टेबिलिटी उनको डाउन द ग्रुप दिख गई तो उन्होंने पैकिंग के अकॉर्डिंग कर दिया। पैकिंग और स्टेबिलिटी रिलेटेड है वहां, लैटिस की वैल्यू रिलेटेड नहीं है, नहीं है दोस्त। हमने क्लियर थर्मोडायनेमिक्स आपको लिखा, लैटिस एकदम क्लियर ऊपर है और अच्छे खासे डिफरेंसेस ऊपर है। उतने डिफरेंसेस के साथ डेल्टा जी में चेंज नहीं है जितने डिफरेंसेस के साथ यहां पर लैटिस में चेंजेस है, वो ऊपर की तरफ है। इसलिए लैटिस आप अगर आयोडाइड वगैरह भी लेते हैं, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, तो वहां भी लैटिस को आप ऐसा ना करें कि आयोडाइड बड़ा एनायन है इसीलिए स्टेबिलिटी, सॉरी लैटिस एनर्जी बड़े कटायन की तरफ लिथियम की तरफ ना होकर के सीजियम की तरफ होगा, फिर मैं बोलूंगा गलत है। वहां भी सीजियम आयोडाइड से ज्यादा लैटिस एनर्जी लिथियम आयोडाइड की होगी। लैटिस में आप पैकिंग ना लगाए, पैकिंग से स्टेबिलिटी डील कर ले, लेकिन लैटिस में ना लगाए। तो हमने थियोरिटिकल पार्ट से भी आपको समझाने की कोशिश किया पिछले लेक्चर पे, उस पर सैकड़ों एग्जांपल्स हुए, और आज के लेक्चर में मैं आपको थर्मोडायनामिक्स से चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आगे ले चल रहा हूं आपको हैलाइड्स में, एल्केली मेटल के हैलाइड्स में, और वो और ज्यादा जानलेवा है। आप अच्छे अच्छे बड़े ऑथर की बुक पलटे, वो भी गलत लिखते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लूंगा तो आप हताश हो जाएंगे क्योंकि आप उन किताबों को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। बिल्कुल उन बुक्स को जिनका मैं नाम ले लूं, आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वैसे वैसे ऑथर लोगों ने एल्कली मेटल के क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड और फ्लोराइड की स्टेबिलिटी का ट्रेंड गलत लिख रखा है, और लैटिस एनर्जी की भी ट्रेंड गलत लिख रखी है उन लोगों ने। तो हमने लैटिस आपको क्लियर कर दिया कि लैटिस में यह पैकिंग वैकिंग आप जाकर के ना लगाए। कुछ एग्जाम्पल्स हैं रेयर जहां बहुत सॉफ्ट और पोलराइजेबल एनायन का केस है, मैं उसको स्पेसिफिकली, काफी स्पेसिफिकली मैं उनको डील करूंगा। काफी सॉफ्ट एनायन चाहिए, वो एनायन क्या हो सकते हैं उसके लिए मैं आपको बाद में डील करूंगा। लेकिन आमतौर पर आज के बाद दोस्त आप लैटिस के लिए कार्बोनेट नाइट्रेट सल्फेट ये सब जो आपके एनायन चलते रहते हैं, फ्लोराइड हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड नाइट्राइड, ये सब में आप नहीं, नहीं और नहीं। क्या सर? पैकिंग से लैटिस पड़ गए। उम्मीद है समझ में आया होगा, एक बार बताएं मेरे को और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले प्लीज। आइए दोस्तों एल्कली मेटल हैलाइड्स पर डिस्कस करता हूं, डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। एल्कली मेटल हैलाइड्स, एक तरफ लेता हूं मैं, ध्यान से देखें, ऐसे लिखता हूं LIF, LICL, LIBR और LII, NAF, KF, RBF, CSF। बहुत क्लियर मैसेज दूंगा, NaCl, KCl, RBCl, CSCl, NaBr, KBr, RBBr, CSBr, ठीक है, और NaI, KI, RBI, CSI। अच्छे से देखिए तीन चीजें एक बार फिर से, लैटिस एनर्जी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्या कर रहा हूं मैं, इस दो को फिर मैं लिख रहा हूं, किस दो को? LIF, NAF, KF, RBF और CSF, और इसका तीन कॉलम बना रहा हूं मैं, और इधर ले रहा हूं LII, NAI, KI, RBI, CSI। तीन कॉलम आप समझ रहे हो, वही तीन चीजें। कौन सी तीन चीजें? लैटिस, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन,
और हीट ऑफ फॉर सॉरी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, तीन चीजें फिर वही हमने लिखा। अब मैं वैल्यू लिख रहा हूं, आराम से आ जाए। LIF का तो हमने पढ़ाया था, -1000 LIF वर्सेस MgO, याद करो 1:1 रेशियो होने के कारण दोनों का मेडुलम कांस्टेंट सेम ऑर्डर में चला गया था, तो हमने करवाया हुआ था कि जो चार्ज का रेशियो है वही लैटिस एनर्जी डिसाइड कर देगा, तो 4 times चार्ज उसमें ज्यादा है इसलिए 4 times ज्यादा था। LIF याद करो 1000 के आसपास और MgO 4000 के आसपास। चलो आ जाओ, चलो 1000 सब नेगेटिव में वैल्यू है, आप जान रहे हैं। KF मैं लिख रहा हूं, KF 801 और CSF 744, जरा वैल्यू को देखें। और अब मैं ये लिख रहा हूं, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 612 और इधर लिख रहा हूं माइनस हटा के 531 और डेल्टा जी 588 और 525। अच्छे से देख ले, अब कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। ऊपर की तरफ जाने पर आपकी लैटिस एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि साइज छोटा हो रहा है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आप ध्यान से देखें, अब जब आप इनके इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू को देख रहे हैं, एकदम रेगुलर ट्रेंड है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू भी ऊपर की तरफ भी बढ़ रही है नेगेटिव में। और अब आप डेल्टा जी को भी देखें, ऊपर की तरफ ही बढ़ रही है। इसका मतलब हुआ कि जो स्टेबिलिटी है वो LIF, NAF, KF, RBF, CSF, अगर थियोरिटिकली आप बनाते जो हमने पिछले लेक्चर में आपको सिखाया, तो आप बोलते डेफिनेटली सर ये डिकम्पोज होने के बाद एलिमेंटल प्रोडक्ट ही देगा, मॉलिकुलर नहीं देगा, इसीलिए सर ऊपर जाने पर ही लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हम लोग सर यही लिखते। अब मैं बोलूंगा और दोस्त आप इसमें क्या लिखते, आप बोलते सर यहां भी तो वही चीज लिखते हम लोग कि LII से लेके CSI में ऊपर जाने पर चूंकि डिकम्पोज होकर एलिमेंटल प्रोडक्ट देगा, बाइनरी वाला है, तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। सर पैकिंग लगाना तो अब छोड़ दूंगा क्योंकि पैकिंग पहले लगाता था, इसीलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब मैं बोलूंगा, मैं वैल्यू लिख रहा हूं क्योंकि आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, वैल्यूज हर कुछ कहेगा। चलो आ जाओ, मैं वैल्यू लिखता हूं, माइनस लैटिस में है पहले 750 और स्ट्रेट लिख रहा हूं 600, वही 550 समथिंग इस तरह करके 271, चलो इसको 550 ही लिखो, 271, 337, 269 और 333। अच्छे से देख लें आप। अब ट्रेंड को जरा देखें, लैटिस किधर है, काफी बड़ा अनायन है, तो पैकिंग वाले भाई साहब सावधान, बड़ा अनायन है, काफी बड़ा अनायन है आयोडाइड, लेकिन बावजूद इसके लैटिस ऊपर की तरफ ही है। पैकिंग वाले भाई साहब आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, लैटिस हमारा ऊपर की तरफ ही है। अब आ जाइए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 271, 337, इस बार इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नीचे आ रहा है और आपने गौर से देखा है हर बार इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के वैल्यू के काफी करीब रहा है डेल्टा जी की वैल्यू और ट्रेंड सेम रहा है, डेल्टा जी नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है। यह तो क्लियर हो गया आपका, लैटिस के पैरेलल में नहीं रहा है ऑर्डर, किस चीज का, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, कभी पैरेलल रहा कभी नहीं रहा, लेकिन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का ऑर्डर लगभग सेम रहा। तो अब आप देखिए, मतलब इसमें स्टेबिलिटी किधर गई, नीचे की तरफ। अब आपको समझ में आया, स्टेबिलिटी किधर गई, नीचे की तरफ। तो पॉइंट जरा देखें आप अच्छे से,
जब आपने फ्लोराइड का, जबकि वो भी आपके पिछले क्लास के अकॉर्डिंग टूट के वो भी एलिमेंटल प्रोडक्ट देगा, तो आपके पिछले क्लास के अकॉर्डिंग वो उसकी स्टेबिलिटी भी अप द ग्रुप होनी चाहिए। हमने क्लियर वर्ड्स में पढ़ा है, काफी क्लियर वर्ड्स में, अच्छे अच्छे बुक्स में, बहुत पॉपुलर ऑथर के बुक्स में, कि एल्केली मेटल के फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऊपर होता है। क्या बोला मैंने? एल्केली, समझ रहे हैं, लैटिस के डायरेक्टली पोस्टनल, एल्केली मेटल के फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऊपर होता है। हमने दिखाया फ्लोराइड में ऊपर है, आयोडाइड में नीचे है, बीच वाली बातें यहां लिखी हुई है। अगर बीच वाले को गौर से देखेंगे तो क्लोराइड में बहुत खराब मामला है, ब्रोमाइड में करीब करीब नीचे है, चूंकि एनायन बड़ा है तो पैकिंग बड़ी है, ओवरऑल स्टेबलाइज होना लाजमी है उसको, और आयोडाइड में रेगुलर नीचे है। तो मैं बाकी की भी वैल्यू एक बार लिखता हूं, ठीक है, और क्लियर मैसेज यहां से फिर लास्ट में मैं छोड़ता हूं। तो इसका और इसका तो मैंने क्लियर लिख दिया, डेल्टा एच एफ और डेल्टा जी इंक्रीजेज अप द ग्रुप ना, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका भी हमने क्लियर लिख दिया, डेल्टा एच एफ सब नेगेटिव में लिख रहा हूं, और डेल्टा जी इंक्रीज कर रही है इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी। आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, फिलहाल एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं, और पिछला पेज जो आपने दो पेज और पढ़ा, तीन पेज, वो भी आप एस ब्लॉक के एग्जांपल्स पढ़ रहे थे, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट्स वगैरह, ठीक है। चलिए अब मैं बाकी बीच वाले के वैल्यू को थोड़ा लिख करके आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, दो ही चीज को लिखता हूं, क्या क्या, एक फॉर्मेशन और एक डेल्टा जी, या आप छोड़ भी दें तो एक को भी लिख करके काम चला सकते हैं, डेल्टा जी ही लिखे ना, हटाइए, क्योंकि जो फॉर्मेशन का ऑर्डर होता है वही डेल्टा जी का ऑर्डर होता है। तो मैं सबका क्या लिख रहा हूं, कौन सा वैल्यू लिख दूं, डेल्टा जी वैल्यू ही लिख देता हूं, फॉर्मेशन की वैल्यू छोड़ दीजिए, क्योंकि इन दोनों के ट्रेंड में कोई डिफरेंस आपको नहीं, अंतर समझ में आया किन दोनों में, डेल्टा जी और फॉर्मेशन वाले में, ठीक है। तो चलो डेल्टा जी ही मैं लिख देता हूं। क्लोराइड वाला 384 वही है ऑलमोस्ट, 384, 408 और 414, अच्छे से देख लें। अब आ जाएं ब्रोमाइड में, 341, 349, 379 और 384। अब जरा देखिए अच्छे से, क्लियर समझे, आपको इसमें क्या दिख रहा है, थोड़ा दिखा मामला गड़बड़ है, दिखा ना, लेकिन फिर क्या दिख रहा है, नीचे बढ़ रहा है, तो कुल मिला के चलो डॉट डॉट कर दिया, नीचे बढ़ गया जनरली, क्लियर है। अब इसमें आ जाए 41, 49, 79, 84, नीचे बढ़ गया, यहां पे थोड़ी गड़बड़ी हुई, ब्रोमाइड बड़ा हो गया, अब रेगुलर हो गया, कुल मिला के क्या हो गया, जब आप LIF से लेके CSF पर थे तो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली पोस्टनल है स्टेबिलिटी, ठीक है, लेकिन उन सब लोगों को करारा जवाब है जो लोग बाकी में ऐसा करते हैं, एल्कली मेटल का क्या लेना है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इन तीनों में ही किधर के तरफ, Li प्लस से CS प्लस के तरफ जो ऑर्डर है किधर है, अप या डाउन, सर क्लियर समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी डाउन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हमने आपको सिखाई, उम्मीद है
आप इस चीज को आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। यह बहुत बड़ा मसला हमने सॉल्व किया है आज। कभी नहीं आप इस चीज को भूलेंगे कि आप उस चीज को लगाएं कि अगर टूट के एलिमेंटल प्रोडक्ट देगा तो लैटिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मॉलिक्युलर डिकम्पोजिशन वाला प्रोडक्ट होगा तो पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने क्या आपको समझाया, एल्कली मेटल के हैलाइड्स में जरा मामले को देख ले। फ्लोराइड के केस में जब छोटा था तो उस केस में आपका स्टेबिलिटी लैटिस से डील हो रहा है, आयोडाइड के केस में जब काफी बड़ा है तो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डील हो रहा है। ओवरऑल डेल्टा जी एक्चुअली पैकिंग बड़े एनायन क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, यहां पे थोड़ा इरेगुलर है क्लोराइड में लेकिन ओवरऑल चलेगा, ब्रोमाइड में चलेगा और आयोडाइड तो दौड़ेगा। अब जब अनायन चेंज होने वाली स्थिति है तब आप जरा देखें, अनायन चेंज होने वाली में एल आई आई का डेल्टा जी क्या है, 5 एल आई आई 269 और एल आई एफ का क्या है 1000, फिर के एफ का क्या है 801 और के आई का क्या है, के आई छोड़ दिया हमने, चलो हटा लो कोई दिक्कत नहीं है, सी एस वाला ही याद करो, सी एस एफ का क्या है 744 और सी एस आई का क्या लिखा था 333। जब एनायन चेंज हो ऐसे, स्पष्ट देख रहे हो इधर स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्पष्ट देख रहे हो इधर स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्पष्ट इधर बढ़ गया, क्लियर बढ़ गया, क्लियर बढ़ गया, मतलब फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड अगर एनायन चेंज हो तब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब लैटिस के डायरेक्शन में ही है। क्या बोला मैंने, आप एल्कली मेटल का कोई भी एल्कली मेटल ले, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इसमें क्लियर है कोई भी एल्कली मेटल ले, लैटिस एनर्जी बढ़ने की वजह से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहां भी आपका वो ट्रिक सही सही काम करेगा, कौन वाला ट्रिक, टूट के जब एलिमेंटल प्रोडक्ट देगा चूंकि बाइनरी है तो लैटिस लगाओ, यहां भी आपका वो ट्रिक सही सही काम करेगा। हमने आज सब कुछ थर्मोडायनामिक्स से आपको क्लियर किया, यहां भी आपका वो ट्रिक एकदम सही सही काम करेगा, इन सब में करेगा बट एल्कली मेटल के क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में नहीं करेगा। क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड में वो डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी है, जैसे बड़े एनायन के केस में कार्बोनेट में डाउन द ग्रुप था, सल्फेट में डाउन द ग्रुप था और वहां पोलराइजेशन लगाते थे आप, यहां तो पोलराइजेशन भी आप नहीं लगा सकते, यहां पैकिंग बोलना होगा। पोलराइजेशन तो तब नहीं लगाएंगे जब एटम्स के डिफरेंट साइड्स होंगे, अलग अलग एनायन के साइड्स होंगे तो किसी एक साइड को अटैक करके वो क्लीवेज के थ्रू बाहर निकाल लेगा, यहां तो आप पोलराइजेशन भी नहीं बोल सकते, यहां बोलेंगे कि बड़ा अनायन बड़े कटायन के साथ आपका इफेक्टिव कोई डिफेक्ट्स नहीं देगा आयोनिक सॉलिड में और इफेक्टिव पैकिंग के साथ स्टेबलाइज होगा, अगर थियोरेटिकली बोलना, प्रैक्टिकली तो डेल्टा जी बोलेंगे आप। तो बहुत सारी चीजें हमने इसमें क्लियर करी और इनफैक्ट सारी चीजें क्लियर कर दी। एल्कली मेटल के फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड की स्टेबिलिटी को समझना आम बात नहीं था, और उन सारे बुक्स को आप रिजेक्ट करें, ठीक है, उनके उन पहलू को रिजेक्ट करें अच्छे से जहां पे ये चीजें लिखी हुई है कि एल्कली मेटल के हैलाइड में अप द ग्रुप स्टेबिलिटी है। क्लियर है? तो हमने बहुत सारी बातें आपको समझाई, एक बार मेरे को बताइए ओवरऑल ये स्टेबिलिटी अभी तक का आप कैसा समझे, क्या हमारा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आप लोगों का ये अच्छे से या नहीं, कैसा रहा ये चीज, और स्क्रीनशॉट लेंगे आप प्लीज। एल्कली मेटल के हैलाइड को क्लियर करने के बाद अब हम लोग और स्टेबिलिटी में थोड़ा बहुत काम करें। तो इस तरीके से हम लोगों को समझ में आ गया कि अगर आप लिथियम के सल्फेट से लेकर के सीजियम के सल्फेट तक जाएं तो अब हम लोग कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि लार्ज अनायन है, अब ऐसा कभी नहीं हम बोलेंगे लार्ज अनायन है, मोर पैकिंग मोर लैटिस ऐसा कभी नहीं कहेंगे,
हम लोग बोलेंगे ध्यान से, लैटिस एनर्जी ऊपर बढ़ेगी। और थियोरेटिकली पहले आप आंसर सोच लीजिए इसकी स्टेबिलिटी का। तो यहां पर जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो फंक्शन होगा पोलराइजेशन का, तो पोलराइजेशन से स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी क्योंकि पोलराइजेशन ऊपर है। तो पहले हमने थियोरेटिकली सोच लिया कि स्टेबिलिटी किधर बढ़ेगी, डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउनवर्ड, ये पहले हमने सोच लिया। अब जब ये हमने सोच लिया तो इसका मतलब क्लियर लिखूंगा कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या हो रहा है, आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन भी इंक्रीज करेगा एंड डेल्टा जी भी इंक्रीज करेगा, लेकिन नेगेटिव में। बार बार मैं बोल रहा हूं ये सब नेगेटिव में हो रहा, इसीलिए स्टेबिलिटी बढ़ गई। नहीं तो, मैजिक वो है और लॉजिक ये है। ये मैजिक है आपका कि आपने मैजिक लगा के आंसर निकाला, और ये लॉजिक है आपका। अब तो समझ गए होंगे आप। तो हमने क्लियर आपको बोला इस तरह से आप ये करें। अब आपका बेरिलियम ऑक्साइड से लेके बैरियम ऑक्साइड है तो आप यहां पर क्या लगाएंगे, लैटिस वाला फैक्टर। तो आप बोलेंगे कि सर ऊपर जाने पे आपका लैटिस एनर्जी बढ़ने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब आप अच्छे से इन चीजों को लगा पाएंगे। हाँ, फिर एक बार मैं बोलूंगा कि एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल के, हाँ ऑक्साइड भी लिख लो, Li2O से लेके CH2O ऑक्साइड, वहां भी यही चीजें होंगी। लेकिन इन दोनों के पेरोक्साइड, इन दोनों के सुपरऑक्साइड और इन दोनों के ओजोनाइड, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेंड है, इनका कॉम्प्लिकेटेड ट्रेंड है हर चीज का, चाहे लैटिस का हो या हीट ऑफ फॉर्मेशन का हो या डेल्टा जी का हो। इसीलिए इनको स्पेसिफिकली, इनके लिए मैं कोई लेक्चर अलग से शेड्यूल करूंगा। आज मैं इस चीज को बोलने ही नहीं जा रहा हूं कि इसमें स्टेबिलिटी किधर है, इसमें लैटिस किधर है, इसमें डेल्टा जी किधर है। इसीलिए अगर आपको पहले से ये चीजें आ रही हैं तो दबाइए, विद्रोह को दबाइए। सही समय आएगा जब मैं चिंगारी दूंगा, फिर आप उस समय विद्रोह को आग बना लेंगे, लेकिन अभी दबाइए। एक लेक्चर में हर कुछ एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, यह अपने आप में बहुत खतरनाक एरिया है। और जिस तरीके से मैंने उधर बोला कि लोग गलत पढ़ते पढ़ाते हैं, उससे ज्यादा इस एरिया में गलत पढ़ते पढ़ाते हैं, यह और खतरनाक एरिया। तो इसके लिए थोड़ा होल्ड करें आप अपने आप को, स्क्रीनशॉट ले इस पेज का। अगले पेज में मैं नेट्राइड वाला एग्जाम्पल लेता हूं, प्लीज। आइए दोस्तों, तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेटल के नेट्राइड, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली वाले मेटल्स के नेट्राइड, मेटल नेट्राइड पे आ जाइए, बात करते हैं मेटल नेट्राइड्स एंड स्टेबिलिटी। अच्छे से आप देखिए, अब तो अब आपको सारी कहानी मालूम है। मेटल आपका सॉलिड है, आपका नाइट्रोजन गैस है, आपने मेटल का नाइट्राइड बनाया M3NM सॉलिड। डेफिनेटली यहां पर मेटल का कैटायन M पर M प्लस चार्ज है और एनायन नाइट्राइड N पर 3 माइनस है, ये आपका नाइट्राइड हुआ। जैसे आपने फ्लोरीन से रिएक्शन कराया मेटल का तो फ्लोराइड बना, क्लोरीन से कराया क्लोराइड बना, ब्रोमीन से कराया ब्रोमाइड बना, हाइड्रोजन से कराया तो हाइड्राइड भी बन गया, ऑक्सीजन से कराया ऑक्साइड बना, तो उसी तरीके से नाइट्रोजन से कराया तो नाइट्राइड बना। अब आ जाए अब इसके एग्जाम्पल के तहत, और हाँ इस रिएक्शन का जो, इस चेंज का जो डेल्टा जी होगा वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होगा, और डेल्टा एच जो होगा आपका ये वाला चीज,
ये एल्जेब्रिक सम होगा, सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का, फिर कौन सा चीज, आराम से सुने, आयोनाइजेशन एनर्जी टोटल, किसी का एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो सिर्फ वन लगेगा, किसी का दो लूज होगा तो वन टू, किसी का तीन लूज होगा तो वन टू थ्री, फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एन टू लगेगा, ठीक है, वो तो मोल बैलेंस होगा, कभी हाफ मोल, कभी एक मोल, कभी दो मोल, तीन मोल, जो लगना, हाँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एन टू लगेगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन को आपको ब्रेक करना है, और प्लस ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टू, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थ्री, ये लगेगा नाइट्रोजन का, और बाद में आएगा लैटिस एनर्जी, यहां पर ऐड हो जाएगी प्लस माइनस लैटिस एनर्जी। आराम से सुनो, अब इस इक्वेशन में, अब ये आपका डेल्टा एच एफ टी, डेल्टा एस को चलो हमने इग्नोर किया, इस इक्वेशन में देखें लैटिस तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है, लेकिन आप जरा देखिए इस फैक्टर को, ये फैक्टर एक्चुअली जब आप N2 गैस को कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें, नाइट्राइड में, तो सिर्फ इतनी दूर में क्या क्या लगेगा, पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगेगा, फिर EA1, EA2, EA3, ये वाला पार्ट लगेगा ना, इस पार्ट को अच्छे से देखें, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा होता है। सामान्य तौर पे हमने बोला कि आप बॉन्ड एनर्जी को इग्नोर कर देते हैं, क्या लैटिस को अकेले लेके आप हीट ऑफ फॉर्मेशन से डेल्टा जी डिसाइड कर लेते हैं, अब तो हम लोग काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, लेकिन नाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को इग्नोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि N2 का बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की वजह से 945 किलो जूल पर मोल है, जो काफी ज्यादा है, इससे ज्यादा दो तीन ही कंपाउंड है जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे CO वगैरह है 1050 के अराउंड हो जाती है, कुछ ही कंपाउंड से जो N2 से ज्यादा, तो काफी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, इसलिए ये इग्नोर होने वाला बॉन्ड एनर्जी नहीं है। और सेकंड, नाइट्रोजन ने जब इलेक्ट्रॉन गेन किया, जब आपने मेटल का फ्लोराइड बनाया तो फ्लोरीन का फर्स्ट एफिनिटी आया जो नेगेटिव है, क्लोराइड बनाया तो क्लोरीन का फर्स्ट एफिनिटी आया जो नेगेटिव है -360, समझ रहे ना, जब आपने ऑक्साइड बनाया तो ऑक्सीजन का, अगर मेटल का ऑक्साइड आपने बनाया तो ऑक्सीजन का फर्स्ट एफिनिटी नेगेटिव होता है, सेकंड पॉजिटिव, अच्छे से सुने, बट आप नाइट्रोजन जब लेंगे तो नाइट्रोजन का पहला एफिनिटी भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फिगरेशन है, ठीक है, वो इतना बड़ा पॉजिटिव नहीं होता, उसको पॉजिटिव लिया जब काफी छोटा वैल्यू होता, 3-4 किलो जूल पर मोल अप्रॉक्स 0, लेकिन नेगेटिव नहीं होता, वही ऑक्सीजन मिलेंगे तो नेगेटिव होता -140, तो नेगेटिव का कंट्रीब्यूशन जो डेल्टा एचएफ में होता ना, वो तो खुद गया ही, उल्टा वो पॉजिटिव लेके आया, तो ये समझ रहे हैं, ईए वन ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट एक्सोथर्मिक, ये नेगेटिव नहीं है, इसीलिए सेकेंड एफिनिटी, ध्यान से सुनेंगे दोस्त, ईए वन सामान्य तौर पे नेगेटिव होता है और उसके मैग्नीट्यूड से काफी बड़ा होता है ईए टू का मैग्नीट्यूड, ईए टू पॉजिटिव होता है एंथैल्पी सेकेंड एफिनिटी सेकेंड, और इससे काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड होता है ईए थ्री का, ये जान ले आप, ऐसा होता है, हर जगह होता है, हर बार होता है, लेकिन नाइट्रोजन के केस में पहला ईए ही नाइट्रोजन का एक्सोथर्मिक नहीं है, इट इज पॉजिटिव, पहला ही एफिनिटी पॉजिटिव, तो ये तो और बड़ा पॉजिटिव, ऐसे ही ये नेगेटिव से मैग्नीट्यूड पहले जीरो पर पहुंच के तब पॉजिटिव, और ये तो और बड़ा पॉजिटिव, समझ रहे हैं चीजों को, वेरी लार्ज पॉजिटिव, ये भी और ये और बड़ा पॉजिटिव, कुल मिला के जो ये टर्म है, इतना दूर का टर्म जिसको मैंने ऊपर भी लिखा है, इसका वैल्यू, ये जो सम है, सम इज वेरी वेरी लार्ज पॉजिटिव, काफी बड़ा पॉजिटिव हो गया, इसीलिए लैटिस एबनॉर्मली काफी बड़ा होगा तभी यह सम नेगेटिव हो पाएगा दोस्त, एबनॉर्मली वेरी हाई यू नॉट ओनली कैन कंपेंसेट मैनेज कर सकता है, कैन कंपेंसेट किसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड EA टोटल ऑफ नाइट्रोजन को, दोस्त मैंने बहुत बड़ी बात लिखी है
मैंने पहले आपको समझाया कि आप जरा उस चीज को अच्छे से देख ले, इस इक्वेशन को, क्योंकि जब आप हिट ऑफ फॉर्मेशन लिखेंगे तो ये बेचारा तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये वाला छोटा वैल्यू होता है, जैसे क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ते हैं आप तो 240 किलो जूल पर मोल, फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ते हैं तो 156 किलो जूल पर मोल, छोटे छोटे वैल्यू होते हैं। O2 का तोड़ते हैं तो हाँ थोड़ा ज्यादा होता है, 450 490 ऐसे कुछ होता है, 490 के आसपास। O2 का वहां थोड़ा डबल बॉन्ड है तो भाई ज्यादा लगेगा, लेकिन N2 में तो वो O2 से भी डबल लग रहा है, तो एक तो ये काफी बड़ा पॉजिटिव, ऊपर से अब एफिनिटी और स्वाहा, क्या सर? सामान्य तौर पे जब आप एनायन लेते हो तो एफिनिटी नेगेटिव होता है, जिस पर एक माइनस लगना है, जिस पर दो माइनस लगना है ऑक्साइड और सल्फाइड, वहां का फर्स्ट एफिनिटी कम से कम नेगेटिव होता है और सेकंड उससे बड़ा पॉजिटिव होता है। चलो फर्स्ट तो नेगेटिव है, कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू खत्म किया गया, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन को ओवरऑल नेगेटिव बनाना है स्टेबल कंपाउंड के लिए, क्योंकि डेल्टा जी इससे नेगेटिव होगी, तो फर्स्ट एफिनिटी कम से कम नेगेटिव होती है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ तो कहानी उल्टी है, इसका फर्स्ट एफिनिटी भी पॉजिटिव है, फिर फॉस्फोरस के साथ ऐसा नहीं है, फॉस्फोरस का फर्स्ट एफिनिटी नेगेटिव होता है, नाइट्रोजन का सिर्फ फर्स्ट एफिनिटी पॉजिटिव है। बहुत कम एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसका फर्स्ट एफिनिटी पॉजिटिव होता है, 2A, 2B और ये नाइट्रोजन, और इनर्ट नोबल गैस भी है, लेकिन चलो उसको इग्नोर भी कर लिया, 2A चूंकि फुल फील्ड है पूरा, 2B फुल फील्ड है पूरा, NH2N-1D10 और नाइट्रोजन। तो पहला एफिनिटी जब पॉजिटिव हुआ तो दूसरा तो बहुत बड़े मैग्नीट्यूड से होता है, पहला आमतौर पर नेगेटिव होता है, नेगेटिव से वैल्यू जीरो, जीरो से पॉजिटिव, ये तो पहला पॉजिटिव पर है, जीरो के आसपास है, प्लस 4 या 5 किलो जूल पर मोल का राउंड है, तो दूसरा तो काफी बड़ा पॉजिटिव, तीसरा और बड़ा पॉजिटिव, भाई साहब इसका सम जो है ना आपके N2 के बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी के वैल्यू से ज्यादा बड़ा पॉजिटिव है इसका सम। जिस एफिनिटी को आप तवज्जो नहीं दे रहे थे वो एक मामूली सा घाव कैंसर के रूप में है, यहां इससे बड़ा पॉजिटिव वैल्यू लेके आ रहा है इसका एफिनिटी का सम, काफी बड़ा। अब ऊपर से ये ऐड हुआ तो ये पॉजिटिव, तो इतना सारा सब खतरनाक पॉजिटिव को लैटिस एनर्जी कब मैनेज कर पाएगा, कंपेंसेट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, खत्म करेगा, और फाइनली नेगेटिव कब आएगा, जब लैटिस अपने आप में बाहुबली हो, बहुत बड़ा नेगेटिव हो। तो हमने क्या लिखा, एबनॉर्मली वेरी हाई यू नॉट ओनली कैन कॉम्पेंसेट बॉन्ड डिस्टेंस एनर्जी एंड एफिनिटी टोटल ऑफ नाइट्रोजन, बहुत बड़ा लैटिस चाहिए, छोटा मोटा लैटिस से नहीं होने जा रहा है, इसीलिए कम लैटिस एनर्जी वाले नाइट्राइड कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने, दैट्स वाई मेटल नाइट्राइड विथ लो हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ लैटिस या लैटिस एनर्जी, लो लैटिस एनर्जी कैन नॉट एग्जिस्ट स्टेबली, क्लियर हुआ, सॉरी विथ स्टेबिलिटी। सर इसको और अच्छे से क्लियर कर दो, चलो क्लियर कर देता हूं। मान लो आपने एल्कली मेटल नाइट्राइड लिखा, Li3N, Na3N, K3N, Rb3N, CS3N, अच्छे से देख लो। अब आप जानते हो कि Li प्लस का स्मॉल साइज होता है, इसीलिए इसका हाई यू नॉट आ जाएगा, लेकिन इन सब का भाई साहब लार्ज कटायन साइज है, जब लार्ज कटायन साइज है इसीलिए इन सब का लो यू नॉट होगा, जब लो यू नॉट होगा तो इन सब का हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव हो जाएगा, जब पॉजिटिव हो जाएगा तो मतलब दे डू नॉट एग्जिस्ट, क्लियर हुआ दोस्त, दे डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ एल्कली मेटल नाइट्राइड्स, क्या मजेदार सेशन है, बहुत मजेदार, आउट ऑफ एल्कली मेटल नाइट्राइड्स Li3N एग्जिस्ट, समझ में आया, मतलब आप गलती से भी ये सब फॉर्मूले को कभी ना लिखें,
ये सब फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हुआ? Na3n, K3n, Rb3n, CS3n प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हमने इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझाया, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होगा भैया, तब तो उनको नेगेटिव करने के लिए आप बाकी पॉजिटिव को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका लैटिस बहुत ज्यादा होना जरूरी है। और लैटिस ज्यादा हो तो हो कैसे? लैटिस ज्यादा हो तो हो कैसे? इन सब के केस में लार्ज कटायन है तो लैटिस ज्यादा हो नहीं सकता है। एक Li प्लस है जिसकी साइज Mg2 प्लस के कंपैरेबल है, तो Li प्लस छोटा साइज का, वहां लैटिस सफिशियंट हो सकता है, इसीलिए वहां पर यह पॉसिबल है। उम्मीद है ये बड़े मजेदार तरीके से आपको समझ में आया होगा कि क्यों एल्कली मेटल्स में से सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड बनाता, बाकी नाइट्राइड नहीं बनाता। मेरे को फीडबैक चाहिए इस बात का, समझ में आया या नहीं, अच्छे से बताएं प्लीज, स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों मैंने बोला कि एक बार आप मेरे को बताएं आप समझ पाए या नहीं, आप लोगों ने क्या जवाब दिया है कुछ या नहीं। मैंने सभी लोगों को बोला एक बार बताएं। डॉक्टर विपिन कुमार ने लिखा है, एमके पाठक ने लिखा है, क्या सर तो नाइट्राइड बनाना काफी डिफिकल्ट है। हाँ, नाइट्राइड बनाना काफी, मेटल का नाइट्राइड बनाना काफी डिफिकल्ट है, अभी मैं और उस पर जिक्र कर रहा हूं। पाठक जी लाजवाब सर, थैंक यू पाठक जी। जी बिल्कुल सर, डॉक्टर विपिन कुमार गुड इवनिंग सर, जस्ट अभी घर आ पाए हैं, प्लीज आज का लेक्चर प्राइवेट ना करें। चलिए बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन एक शर्त पर नहीं करूंगा कि आप लेक्चर देखने के बाद अपने जो भी आपकी चीजें होंगी समझ में आया या नहीं, कैसा रहा आपका लेक्चर, आप उसके बाद अच्छा बेकार बढ़िया क्या आप नीचे वीडियो कमेंट्स में जाके लिख देंगे। कृतिका सिंह क्रिस्टल क्लियर सर, तमन्ना जसवाल फैबुलस कॉन्सेप्ट, थैंक यू तमन्ना। अरुण रोहन यस सर क्लियर है, बहुत बढ़िया थैंक यू। हिदायतुल्ला जबरदस्त अंदाज है सर आपका, बहुत शानदार, अरे थैंक यू। विकास जायसवाल ऑल क्लियर है सर जी, थैंक यू। रमन जी रामा रमन जी गुरुदेव प्रणाम। कविता यस सर, सर ऐसा ना सोचा था ना ही देखा था, गुरुजी आपका चरण छूने का मन करता, फिर ये गलत बात है। देखिए फिर मैं एक बात मैं बोलूंगा, मैं आपको क्लियर करता हूं, मैं एक बात बोलता हूं, पहले पढ़ लो बाकी लोगों का। दुर्गेश राणे यस सर, प्रकाश कुमार नमस्ते सर जी, हाँ नमस्ते। नाइट्राइड याद करवाते थे हम लोग क्लास में, ये होता है ये नहीं होता। अरे धमकी देके लिख रहे हैं सर, बिल्कुल लिखेंगे। देखिए एक चीज मैं आपको समझाता हूं, हमारे देश की बीमारी है क्या, हम लोगों की यहां बीमारी है यार, ये बीमारी है, लोग कॉन्सेप्ट के फैन नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट देने वाले के फैन होते हैं, सब्जेक्ट के फैन होइए, टीचर के नहीं। मैं हूं कोई होए, ये बात ध्यान रखें। हम लोगों की स्थिति बुरी थोड़ी यही है, हम लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ध्यान दें, पॉलिटिकल पर्सन में इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत गंदी बात है। हम फैन जो होते हैं वो कांग्रेस के कॉन्सेप्ट होते हैं, हम फैन होते हैं राहुल गांधी के, हम फैन होते हैं इंदिरा गांधी के, हम फैन होते हैं राजीव गांधी के, गवर्नमेंट की पॉलिसी के फैन नहीं होते हैं। मनमोहन सिंह सरल व्यक्ति, हम फैन होते हैं मनमोहन सिंह के, हम मोदी जी के कॉन्सेप्ट के फैन नहीं होते हैं, बीजेपी का क्या कॉन्सेप्ट है उसका फैन नहीं होते, हम फैन हो जाते हैं मोदी जी के, हम विरोध करते हैं मोदी जी का। मोदी जी का विरोध नहीं करना है, राहुल गांधी का विरोध नहीं करना है, उनकी बातों का विरोध करना है। गांधी जी ने क्यों कहा था पाप से नफरत करो पापियों से नहीं, बड़ा इसमें बहुत चीजें हैं। तो ये जैसे बुरी चीजों पर उन्होंने बोला ना, पता नहीं शायद वो अच्छी चीजों पर बोलना भूल गए होंगे कि अच्छाई से मोहब्बत करो अच्छे इंसान से नहीं। वो बोलना भूल गए होंगे, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर दे रहा हूं, और ये फैक्ट है। आप जिस दिन ये बात आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने बच्चों को ये बात समझाएंगे कि देख जो कॉन्सेप्ट है किसी चीज का, जो थीम है, तेरा लगाव उससे होना चाहिए, इंसान से कम और उस चीज से लगाव ज्यादा होना चाहिए, तो आपके विकास का ना, आपके डेवलपमेंट का ना, ये सही सही मतलब कोर आइडिया है, आप समझ ले।
मैं कोई अजूबा आदमी नहीं हूं, ठीक है, आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कि आपकी नजरों में एक पैसा ऊपर हो सकता हूं या किन्हीं किन्हीं लोगों की नजरों में एक पैसा नीचे हो सकता हूं, लेकिन मेरे में एक आदत है, मैं किसी भी एक सिंगल पॉलिटिशियन का फैन नहीं हूं, किसी का नहीं। फैन मतलब छोड़िए ना, मैं उनको पसंद नहीं करता, उनके कॉन्सेप्ट को पसंद, मेरे को सब पसंद है, सब में कुछ कुछ चीजें पसंद है। आप मेरे को बात करें, इंदिरा गांधी, उनकी स्ट्रेंथ, उनके डिसीजन मेरे को बहुत अच्छे लगे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की। राजीव गांधी, नवोदय विद्यालय, जिसकी वजह से गरीब स्टूडेंट, आज नवोदय बहुत बड़ी चीज है, नवोदय के स्टूडेंट कहां नहीं है दुनिया भर में, तो उनका वो कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। मोदी जी, जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर को एक पार्ट बनाकर के एक झटके में बाकी देश के लोगों के लिए एक अच्छी चीजें दी हैं, वो मेरे को अच्छा लगा, उनका वो चीज अच्छा लगा। बाकी वो बहुत सारे अलग अलग तरह का बेकार गलत भी काम, गलत स्टेप्स भी लेते हैं हमारी नजरों में। प्राइवेटाइजेशन उनका अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से चीजें महंगी होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस पर क्या बोलूं, आप सब लोगों को सब कुछ पता होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी भी लगती है। जो चीजें मेरे को अच्छी लगी, मोदी जी ने कम से कम उनके वजह से आज 15 साल के बच्चों को भी पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है और आइडिया उनका वो पॉलिटिक्स के में थोड़ा रहा है। उनके वजह से सिस्टम की बहुत सारी चीजें उजागर हुई, उनके उनके अंदर भी खामी उजागर हुई है। ये समझ में आने लगा कि ये हद से ज्यादा बोलना, मतलब यार झूठ बोलना होता है तो बोलो, तो सोच समझ के बोल, बहुत चीजें। तो हर लोगों में ऐसा होता, तो आप ना कॉन्सेप्ट से प्यार कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, सब्जेक्ट से मोहब्बत कीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट है, टीचर परमानेंट नहीं है, सब्जेक्ट परमानेंट है। मेरे जगह मैं रहूं ना रहूं, कल को हो सकता है कोई और लोग आ जाए, मेरे को रिप्लेस कर दे, मेरे से अच्छा पढ़ाने वाले कोई दूसरे आ जाए, मैं दुनिया में ही ना रहूं, कोई तीसरे आ जाए, तो जगह तो कोई खाली नहीं रहती ना, जगह तो भरते चला जाएगा ना। तो इंपॉर्टेंट क्या, आप उस आदमी को लेकर के बैठ जाएंगे? आप महात्मा गांधी चले गए, अब उसके बाद मतलब क्या देश रोक लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। महात्मा गांधी ने जो चीजें बोली थी वो कॉन्सेप्ट बोला था, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाइए, उस कॉन्सेप्ट से प्यार कीजिए, यही मेरा मैसेज था। कविता ने कुछ लिखा, सर वो बहुत सच है, बट आप ना होते तो अच्छा। अच्छा, उसको जानते कैसे, इसलिए प्रायोरिटी आपको। चलिए, थैंक यू, कोई नहीं, ठीक है। ऋतिक सर, नो कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हाँ ऋतिक, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आइए। मैं एक बार अब एल्कलाइन अर्थ मेटल के नेट्राइड में जाऊं। आपने एल्कली मेटल का नेट्राइड किया और अब आपको मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का नेट्राइड कराता हूं। जैसे मेरा यह सोचना था कि दोस्त हमने लिथियम नेट्राइड बनाया, सोडियम नेट्राइड बनाया, पोटेशियम नेट्राइड बनाया, रबिडियम नेट्राइड बनाया और सीजियम एक्चुअली कुछ बना नहीं, हमने आपको सी बनाया। सी तो समझते ही होंगे आप लोग, जो मोदी जी बनाते रहते हैं, ये अकेला एग्जिस्ट किया क्योंकि इन सब का इनसफिशियंट लैटिस एनर्जी था और इनसफिशियंट लैटिस एनर्जी की वजह से इन सब का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन था वो पॉजिटिव था, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं किया। अब आ जाइए, अब मेरा ये मानना है कि क्या बेरिलियम नेट्राइड, मैग्नीशियम नेट्राइड, कैल्शियम नेट्राइड, स्ट्रॉन्सियम नेट्राइड और बैरियम नेट्राइड की अगर मैं बात करूं तो इसमें से कौन कौन बनेगा? अब मेरा यह सवाल है, इसमें से कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा? अच्छे से देखिए, तो जरा अब सोचिए, जब आप एल्कली मेटल से एल्कलाइन अर्थ मेटल पर गए तो आपका कटायन का साइज डिक्रीज कर गया दोस्त, 1A+ से 2A+ पर गए तो कटायन का साइज डिक्रीज होने से लैटिस एनर्जी बढ़ गई और दोस्त चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ने से फिर लैटिस एनर्जी बढ़ गई। कुल मिलाकर के जब आप एल्कली अर्थ मेटल के नेट्राइड से एल्कलाइन अर्थ मेटल के नेट्राइड पे जाते हैं तो आपकी लैटिस एनर्जी बढ़ गई लार्जली, काफी ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए इन सब का दे ऑल हैविंग नेगेटिव डेल्टा HF और नेगेटिव डेल्टा Z, इसीलिए ये सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर हुआ? दे ऑल एग्जिस्ट, ये सारे के सारे एग्जिस्ट करेंगे। अब देख लो, इनकी स्टेबिलिटी पोलराइजेशन से डील होगी या लैटिस से डील होगी? तो सर आपने सिखाया है कि टूट के अगर एलिमेंटल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा ट्रिक है कि लैटिस से डील करें, डेफिनेटली। और आपने इक्वेशन में देखा भी, लैटिस ही इन सब का ड्राइविंग फोर्स भी था, तो ऊपर जाने पर कटायन का साइज घटने की वजह से हमारी लैटिस एनर्जी बढ़ गई और लैटिस एनर्जी के बढ़ने की वजह से अपनी स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्लियर समझ में अब आ गया होगा?
मतलब सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्राइड्स बनाते हैं, लेकिन अल्कली मेटल में सिर्फ लिथियम। अगर मैं फिर ये ग्रुप में जाऊं तो सर अब तो बहुत क्लियर है सर, ट्रिपल प्लस हो जाएगा सर, और खतरनाक लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी, या और सर हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में बढ़ जाएगा। ध्यान से, जैसे अगर मैं लिख दूं बोरॉन नाइट्राइड, अगर लिख दूं एल्यूमिनियम नाइट्राइड, गैलियम इंडियम नाइट्राइड, ध्यान से थैलियम नाइट्राइड, ध्यान से सुनेंगे अच्छे से आप, तो एक बार फिर से ऊपर जाने पर ध्यान से लैटिस एनर्जी बढ़ेगी, गलत, हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव बढ़ेगा, सही, डेल्टा जी बढ़ेगा, सही। सर ये क्या किया आपने, क्यों बी ए, क्यों लैटिस काट दिया? मैंने कब बोला काट दिया, मैंने तो लिखा है कि लैटिस बढ़ेगा, तो सर काटा क्यों? क्योंकि बी एन कोवेलेंट है, बी एन कोवेलेंट है बोरॉन नाइट्राइड दोस्त, पॉलीमेरिक कोवेलेंट है ये, बोरॉन नाइट्राइड पॉलीमेरिक और कोवेलेंट है, कोवेलेंट सॉलिड है ये, मतलब लैटिस यहां तक लगेगा, कोवेलेंट में थोड़ी ना लैटिस लगा देंगे आप, लेकिन हां हीट ऑफ फॉर्मेशन ओवरऑल बढ़ेगा, क्योंकि बी एन काफी स्ट्रॉन्ग बोरोन और नाइट्रोजन का बॉन्ड होगा। कभी कभी हमने बोला है कि कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होते हैं, यह भी हमने आपको पढ़ाया, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऊपर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लैटिस यहां पर हमने डिस्कस नहीं किया। तो कितनी मजेदार बातें हुई, हर कोई रिएक्शन किया, बोरॉन भी नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, लेकिन जानते हैं ये वेरी हाई टेम्परेचर पे करता है, और एक बार रिएक्शन जब स्टार्ट हो जाता है ना तो खतरनाक खतरनाक स्टेबिलिटी देता है, लार्ज नेगेटिव डेल्टा जी। और एल्यूमिनियम भी नाइट्रोजन से करता है, लेकिन उतने हाई टेम्परेचर पर नहीं, हाई टेम्परेचर, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो अब इस तरीके से आपको चीजें समझ में आई कि कैसे एल्कली मेटल का सिर्फ लिथियम ही बना पाया, एल्कलाइन अर्थ मेटल का हर कोई बनाया, बोरॉन फैमिली का भी हर कोई बनाया। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हमने बहुत रीजन के साथ एक्सप्लेन किया। अब आप 4A ग्रुप में जाएंगे तो भाई साहब, अब आप 4A ग्रुप में जाएंगे तो आपका सिलिकन भी नाइट्राइड बनाता है, सिलिकन भी, जबकि कोवेलेंट बनेगा फॉर्मूला Si3N4, सिलिकन भी बनाता है। ट्रांजिशन मेटल नाइट्राइड्स बहुत आसानी से बनाएंगे, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के केस में शील्डिंग पुअर होगी, और शील्डिंग पुअर होने के कारण लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव हो जाएगा, तो ट्रांजिशन मेटल और आराम से। मतलब नाइट्राइड के मामले में कौन पनौती निकला? सोडियम पोटेशियम रबिडियम सीजियम, बाकी सब बनाएंगे नाइट्राइड, और मेटल के नाइट्राइड स्टेबल भी होते हैं, काफी स्टेबल होते हैं मेटल के नाइट्राइड। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने बहुत सारे चीजों को अनलॉक किया, सीक्रेट्स बहुत सारे हमने अनलॉक किए, और बहुत सारी पोले भी खुली कि लोग गलत तरीके से कैसे इनऑर्गेनिक को प्रोसीड करके ले जाते हैं। इनऑर्गेनिक बड़ा नाजुक सब्जेक्ट है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप गलत पढ़ लेंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने गलत पढ़ा। तो मेरा काम वही है चीजों को आपको क्लियर करना कि आप इस समय में सही है, इस समय में गलत है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। मैं एक बार फिर से कुमार मनु आपसे इल्तजा करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, कुमार मनुज मैजिकल इनऑर्गेनिक एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और डाउनलोड जिस समय में करते हैं वहां पर जरूर एक बार रिव्यू डालें। रिक्वेस्ट है हमारा आपसे, हमारे इनऑर्गेनिक को लेकर आपका जो भी चीज है, आपके मन में नजरिया हो, आप अपना रिव्यू वहां डालें, 1 मिनट से 2 मिनट का। हर कोई चाहता है कि उन्हें 5 स्टार मिले, बट ये आपके ऊपर है, आपको अच्छी नहीं लगती मेरी चीजें तो 1 स्टार दे सकते हैं, 2 स्टार दे सकते हैं। रिव्यू जरूर लिखें कि आपको इनऑर्गेनिक कैसा फील होता है हमारे क्लासरूम में, कैसा आप महसूस कर पाते हैं, कितना सीख पाते हैं, आपके उस रिव्यू का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में धमाकेदार चीजों के साथ, कुछ नया चीज हम लोग अनलॉक करते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।